हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हमारे ब्रॉयलर का 17 दिन है, 17वां डे रनिंग में है और बर्ड अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने पूरे फार्म में अपने इस बर्ड को फैला दिया है। इसके पहले वाले वीडियोस में आप देख रहे होंगे कि जो फार्म में जो ये सेंटर का पोल है, इसके इधर इधर ही बर्ड था हमारा, पूरा पूरा लास्ट से इस छोर तक पूरा था। तो अभी पूरा फैला दिया गया है, करीब 14वें दिन हमने इसको फैलाया, 15वें दिन, क्योंकि इसमें अब इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। स्टार्टिंग की मोर्टेलिटी तो हम बचा सकते थे ठंड से उसको, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, सीलिंग करके हम लोग बचा सकते थे, क्योंकि देखिए इस तरफ भी सीलिंग है और ये साइड में भी ये वाला पर्दा बंद रहता था। तो स्टार्टिंग की मोर्टेलिटी तो ठंड से बचा सकते थे, लेकिन अब इतनी ज़्यादा अमोनिया बन रही थी यहाँ पर, क्योंकि 14-15 दिन बर्ड जो है पूरा 5000 बर्ड, 4800 बर्ड जो है एक ही लीटर पे रखे रखे वो इतना ज़्यादा गीला हो जाता है ब्रूडिंग में, आपको पता है कि इतना ज़्यादा अमोनिया बनने लगती है, फिर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो पाता। यही कंडीशन होती है कि ठंड में जो बोलते हैं लास्ट के 30 दिन के बाद जो मोर्टेलिटी होती है, यही कारण होता है। स्टार्टिंग में अपन जो है उसको बंद करके रखते हैं एकदम से सीलिंग करके, और उस टाइम वो वही अमोनिया जो है अपने अंदर जो है इंटेक करता है बर्ड सांस के द्वारा, तो उसका लंग्स और किडनी वगैरह ये सब सारे धीरे धीरे डिस्टर्ब होते रहते हैं, और वो वही जो है ऑर्गन्स 30 दिन के बाद जा कर के फेल होने लगता है। तो फिर आपका किडनी अच्छे से आपका ब्लड प्योरीफाई नहीं कर पाती, तो वही जो है पूरे बर्ड बॉडी में पानी की तरह भरने लगता है, यही रीज़न होता है। तो उसी को बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने बर्ड को देखिए, थोड़ा सा टेम्परेचर भी अगर ठीक ठाक रहे और ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रहे फार्म में, और लीटर भी ना ख़राब होने पाए। ठंड में अगर आप ठंड का फंडा ये होता है कि आप 10 से 15 दिन अगर स्टार्टिंग की मेहनत कर दिए अच्छे से, टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल और अमोनिया सारा कुछ अगर मेंटेन कर लेते हैं, तो फिर उधर 15 दिन के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कोई मेडिसिन, ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ भी नहीं करना है। अच्छे से बर्ड जो है इनटेक करेगा, फीड, वाटर सारा कुछ करेगा और अच्छा ग्रोथ देगा आपको। तो सबसे ज़्यादा उसमें ध्यान रखना होता है आपके लीटर का। तो हमने लीटर क्या किया था, जो इधर पूरा लीटर था उसको पूरे फार्म में वही लीटर पतला कर दिया, तो कुछ पुराना लीटर और कुछ नया लीटर दोनों मिक्स करके डाल दिया गया है, और काफ़ी मोटाई है लीटर की, करीब 1.5 इंच 2 इंच लीटर मोटा है और एकदम सूखा हुआ है। और बर्ड का बीट जो है अभी तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि लीटर सूखा है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है, तो बढ़िया जो है सारा कुछ इसका चल रहा है। अभी दवाओं में कुछ भी मेडिसिन हम नहीं दे रहे हैं, थोड़ी सी इनको साउंड की प्रॉब्लम दिख रही है, साउंड थोड़ी सी खिचखिचाहट आई है, तो उसके लिए भी मेडिसिन दे रहे हैं, जैसे ही ठीक हो जाता है तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरा यही रहता है कि मैं कोई भी मेडिसिन पहले यूज़ करता हूँ, उसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा या बुरा जैसा भी रहता है उसके बाद ही आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ को मैंने देखा, कुछ फार्मर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो कोई भी मेडिसिन लाए तुरंत उसका देने लगते हैं सारा कुछ, कि इसको चलाएंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसका रिज़ल्ट चाहे जैसा मिले। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, आपको लोग फॉलो करते हैं और आपको देख के चीज़ें करते हैं, तो पहले कोई भी मेडिसिन हो आप यूज़ कर लीजिए, उसका रिज़ल्ट जैसा हो उसके बाद ही बताइए उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ। और मैं तो सबसे ज़्यादा जोर दूंगा आपको, सारे फार्मर्स को जोर इसी बात पे दूंगा कि अपना आप लीटर मेंटेन करिए और पानी की क्वालिटी मेंटेन करिए, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। पोल्ट्री फार्मिंग में किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है खासकर, तो यही रहता है पोल्ट्री फार्मिंग में। एक कमेंट्स आया था मुझे, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, कि जो हमारे साइडें चल रही हैं फार्म बनाने वाली, तो उस पर कमेंट किया था उस बंदे ने कि क्यों फार्म बना के बर्बाद होना चाहते हो। सही बात है, लोग इसमें बर्बाद भी होते हैं, बहुत अच्छे खासे बर्बाद होते हैं, और इसी काम से लोग अच्छे खासे जो है पैसा भी अर्न कर रहे हैं, अच्छा खासा जो है पैसा कमा रहे हैं। क्यों, जो बर्बाद हो रहे हैं और जो कमा रहे हैं, इन दोनों फार्मरों में एक ही जो है डिफरेंस है कि वो लोग जो बर्बाद हुए उन्होंने इसकी जो है जो फार्म की जो आपके बर्ड की जो रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर क्या है, वाटर क्या है, फीड क्या है,
ये रिक्वायरमेंट को जो पूरा नहीं कर पाएगा वो डेफिनेटली बर्बाद होगा, 100% बर्बाद होगा और अच्छे खासे से बर्बाद होगा। और जो ये चीज़ें कर लेगा, इनकी रिक्वायरमेंट किस टाइम पे इनको क्या चाहिए ये आप अगर दे दिए तो ये आपको आबाद करके जाएगा, ये गारंटी है। तो अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको जो भी रिक्वायरमेंट है वो दीजिए, अपना लीटर मेंटेन करिए, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम दीजिए और कभी भी गारंटी है, कभी भी आप इसमें लॉस नहीं खा सकते। इससे अच्छा बिजनेस मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं सकता। तो मोर्टेलिटी हमारी जो है, मैं आपको बता दूं, अभी तक मोर्टेलिटी हमारी करीब 90 के आसपास हुई है, अभी तक 100 नहीं पहुंचा है, करीब 90 के आसपास। और आज 17 दिन है, इसका बॉडी वेट भी 14वें दिन हुआ था, तो उस दिन करीब 550 ग्राम था, तो आज के एवरेज देखेंगे शाम तक, लेकिन मुझे लगता है कि 700 के आसपास होना चाहिए 100%। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि बर्ड का जो एवरेज बॉडी वेट है कितना होगा। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।